बाकी जनता पर ही हम छोड़ते हैं, जनता तय करेगी कि साइकिल दौड़ेगी, कि आम आदमी पार्टी मजबूत हो जाएगी, बीजेपी फिर से आएगी, या फिर कोई और दल यहां पर नेतृत्व दिखाएगा। ओवर टू यू रंजना। और इस बीच में एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को हम देते हैं, जो कि लाइव हमारा कार्यक्रम में चल रहा है। मंत्रिमंडल का अगर हम जिक्र कर रहे थे यहां पर थोड़ी देर पहले, तो मंत्रिमंडल विस्तार की भी खबर आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही थी और लगातार इस पर चर्चा हो रही थी कि विस्तार कब होगा, विस्तार होगा, नए चेहरे कौन से होंगे, किस तरीके से उनको सेट किया जाएगा। इस वक्त में बड़ी खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जो कि लगातार इंडिया न्यूज भी आपको पहले से जानकारी दे रहा था, और मौजूदा दौर में उसमें वो नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है, और जब चुनाव बेहद नजदीक है तो कई ऐसे दल जो कि सहयोगी हैं, घटक दल हैं, उनको भी बैलेंस करना है, और क्षेत्र के हिसाब से कुछ और लोगों को भी बैलेंस करना है उसमें। तो बड़ी खबर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस वक्त की, जो कि लंबे समय से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन वेटिंग था, उसका इंतजार हो रहा था, और कई दिनों पहले भी यह खबर आई कि जल्द ही विस्तार होगा, लेकिन मौजूदा दौर में विस्तार को लेकर यह बड़ी खबर आपके सामने। मुझे लगता है कि इंतजार जो है, जो बहुत सारी पार्टियां इंतजार कर रही थी, बहुत सारे नेता इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार का वक्त समाप्त हो गया है और लोगों को बुला शुरू हो गया है कि भाई आइए, हम आपको मंत्री बनाने जा रहे हैं। लेकिन मंत्री कौन बनेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन लोग होंगे। मुझे याद है कि जब बीएल संतोष आके 27 घंटे का मंथन करके गए थे, सभी विधायकों से मिलने का काम किया था, बहुत सारे सांसद, कई मंत्री उनसे मिले, और उन्होंने अपनी बात बताई कि किस तरीके से कोरोना काल में बहुत सारी कठिनाइयां हुई। उसमें ये बात भी कहा जा रहा था कि विधायक नाराज हैं, रुष्ट हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश नहीं है, उस जोश को कैसे भरा जाए, उन्मुख को भी मैं कहूंगा और अतुल भी आ जाए मेरे साथ, हम लोग जरा एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं मंत्रिमंडल विस्तार पे, फिर हम आगे का कार्यक्रम करेंगे। अगला कार्यक्रम हमारा जो है, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय हमारे साथ हैं और यहाँ के इस जिले के कप्तान मुनिराज जी हमारे साथ हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन अहम खबर इस समय की यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए सरकार तैयार हो चुकी है, उन लोगों को न्योता दिया जा चुका है जिनको मंत्री बनाया जाना है, और उसमें जातिगत समीकरण, जिसको अभी अतुल कह रहे थे, वो बहुत अहम है। उन्मुख हमारे साथ है, ये कि क्या होने जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार। देखिए, एकदम आज खबर सबसे पहले ये आई कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। हालांकि राज्यपाल राजभवन में नहीं थी, इसलिए इस बात के सिर्फ कयास पहले लगाए गए, लेकिन बाद में ये हुआ कि राज्यपाल को बुलाया जा रहा है, और खासतौर पर राज्यपाल को इसी बात के लिए बुलाया गया, और राज्यपाल अभी थोड़ी देर में राजभवन पहुंच जाएंगी, और उसके बाद साथ ही नाम भी कुछ सामने आए हैं जो मैं जरूर बता रहा हूँ। जरूर बताइए, और उनकी जाति भी बताइए, क्योंकि सारी जो गणित है वो जातियों से फिट है। बिल्कुल बिल्कुल, जितिन प्रसाद का नाम है इसमें, जितिन प्रसाद ब्राह्मण नेता है, कांग्रेस से आए और अब समाजवादी में को बनाया जा रहा है, साथ ही ये भी कहा जा रहा है जो एमएलसी के नाम जाने हैं चार, उनमें भी जितिन प्रसाद का नाम होगा। साथ ही पलटू राम है और संजय गौड़ हैं, संगीता बिंद हैं, दिनेश खटिक हैं, धर्मवीर प्रजापति हैं और छतपाल गंगवार हैं। कुल मिला के कहा जा रहा है करीब सात लोग। शायद बेबी रानी मौर्य का भी नाम है? नहीं, बेबी रानी मौर्य का नाम कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि बेबी रानी मौर्य इसमें है। यानी कुल मिलाकर जातिगत समीकरण बहुत सादा गया। जाति, जातियों के अलग अलग जातियों की आपने लिस्ट देखी अतुल, मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है पूरी तरीके से जाति पे आधारित है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब हम लगातार अरविंद ये चर्चा करते रहे कि बीजेपी जब 14 में आई तो उसने उस समीकरण को तोड़ दिया था जो कि पहले से चलता था, MY समीकरण या जातियों वाला समीकरण, उसको तोड़ा था। लेकिन लौट कर फिर से वहीं पर आए, क्योंकि हम लोग जब भी चर्चा करते हैं तो ये बात कहते हैं, बिहार हो और उत्तर प्रदेश हो, जाति के बिना काम चलता नहीं है किसी का लंबे समय तक, वहीं फिर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो विपक्ष में है वो भी उसी रणनीति पर है, वो भी वही करने की कोशिश कर रहे थे, तो बीजेपी को भी करना पड़ेगा, वो उससे दूर नहीं रह सकते, राजनीति उनको भी करनी है। अरविंद, देखिए मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी भी जिले जिले में सम्मेलन कर रही है, वो भी रैलियां निकाल रहे हैं, और अलग अलग जातिगत का सम्मेलन हम पहली बार देख रहे हैं। आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी ने सतीश मिश्रा को निकाल दिया जी, लोग अलग अलग जगहों पे जाके मीटिंग्स कर रहे हैं, उनकी पत्नी, उनके बेटे अलग अलग जातियों के नाम पे सम्मेलन कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए कि समाजवादी पार्टी ने परशुराम की मूर्ति लगानी शुरू कर दी। बिल्कुल, अभी आपने जिक्र सुना था कि हमने तो बकायदा छुट्टी घोषित की थी, राजेश भाई बता ही रहे थे, देखिए मुस्कुरा रहे हैं बैठकर। सवाल इस बात का है कि कैसे बच सकते थे, और सवाल इस बात का भी है कि क्यों नहीं बच पाए,
वही बात है जो मैंने पहले कहा था कि सभी अपना समीकरण बना रहे हैं। MY अब D भी हो चुका था लेकिन फिर से उस पर लौट कर आ रहा है। उसके आप इतने लंबे समय से इस चीज को आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर बीजेपी ने रणनीति बनाकर इस जातीय समीकरण को तोड़कर जीत हासिल की थी तो फिर उसको भी एहसास था कि लौट कर ये पार्टियां उस मुद्दे को फिर से देंगी तो हमें भी उसकी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। अतुल बिल्कुल ये बात सही है और साथ ही इस बात पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि जाति समीकरण की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। ऐसा क्या है जो पार्टी लगातार राष्ट्रवाद की बात करती है, लोगों को बताती है देशभक्ति के लिए, जरा सा भी कोई कुछ उल्टा बयान दे देता है तो उसको आजकल सोशल मीडिया पे देशद्रोही टाइप से घोषित कर दिया जाता है, उस पार्टी को जाति समीकरणों की जरूरत क्यों पड़ रही है? सीधी सी बात है, जब इलेक्शन है सरकार जानती है कि जितना सोचा था जितना कर सकते थे उतना नहीं कर पाए हैं और इसीलिए शायद मुझे लगता है जाति समीकरणों की और जाति समीकरण की जो बात है उसमें आप देखिए कि जाति जनगणना को भी बहुत मुद्दा बनाया जा रहा है और उसमें जो कोर्ट में हलफनामा दिया गया सरकार की तरफ से उसको लेकर भी मुद्दा बनाया जा रहा है तो वो भी अपने आप में एक विषय बात है। मैं पिछली बार भी आपको बता दूं, मुझे याद है जब भारतीय जनता पार्टी जो है नई नई आई थी सरकार में तो ये कहा जातिगत समीकरण को साधने का काम शुरू किया। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे याद है कि संगठन के लोगों ने सुनील बंसल जी ने जब आने के साथ ही समीकरण को समझना शुरू किया तो ये हुआ कि भाई एक जातिगत गुलदस्ता बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें सारे लोग शामिल हो और ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है आप देखिए ये भी एक गुलदस्ता ही है, इसमें सारे ज्यादातर लोग जो है। लेकिन मेरा आपसे सवाल होगा कि चलिए समीकरण है, रणनीति है, हर पार्टी करती है, कोई अछूता नहीं है। जो कहता है कि हम नहीं करते हैं वो बिल्कुल गलत कहता है, हम लोग बार बार कहते हैं, लेकिन क्या इस मंत्रिमंडल की जो झलक अभी आपको दिख रही है कि ये विस्तार अगर होगा तो जो दिक्कतें थी छोटी छोटी पार्टियों के साथ, निषाद पार्टियों तो हो गया गठबंधन, वो दिक्कतें ये पूरी कर पाएंगे कि हाँ खत्म कर लेंगे? आपको लग रहा है कि बैलेंस कर दिया है? मुझे ये लगता है अतुल कि अभी आप देखिए भारत सरकार में जो लोग मंत्री गए सारे लोगों ने उनकी रथ यात्रा निकाली। बिल्कुल, सारे लोगों को ये कहा गया कि आप अपने क्षेत्र में जाइए। बिल्कुल, अभी मंत्री जी आए थे उनसे बात कर रहा था, उनका कहना है कि मैं हर दिन 5 गांव जाने की कोशिश करता हूं। अपनी जातिगत जो समीकरण है उनका, उनको साधने की जिम्मेदारी उन्हीं की है, तो सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और शायद इस बार भी यही होने जा रहा है, विधानसभा में जो मंत्री बनेंगे उनकी भी यही जिम्मेदारी होगी कि उनकी जो जाति के लोग हैं जिनकी गणित को भारतीय जनता पार्टी समझ के बैठी हुई है, जो गठबंधन करके बैठी हुई है, वो वोट उनको चाहिए और इसीलिए उनके बीच से लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है कि जब उनके बीच में जाएं तो छाती ठोक के कहें कि नहीं मेरी जाति के व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है, तुम्हें तो मेरे साथ खड़ा ही होना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ऑनर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए कि आदमी जाति के नाम से जाता है, नहीं जानता है तो भी जाता है। आप हमने न जाने कितनी बार देखा कि भाई मैं फलाने जाति का हूं, आप हमारे मंत्री, देखा है यहां पे होता है। बिल्कुल स्वाभाविक, बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन मेरा सवाल अब ये भी रहेगा उन्मुख जी, यहाँ पर जो इस वक्त चर्चा हम कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि हाँ बैलेंस तो हमने कर लिया है, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी एक बहुत रणनीति के साथ आगे बढ़ रही थी, उनका एक समीकरण ये बना कि हम छोटे छोटे दलों के साथ जोड़ेंगे, वहां भी जाति का ही खेल था, क्या उस पर अब बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया या चुनौती अभी भी है उनके लिए? और जो जातियों का जिक्र हो रहा है, जैसा कह भी रहे थे अरविंद यहां पर, कुछ उसको लेकर पिछले दिनों में जो रहा तो विवाद है, नाराजगी है लोगों में, वो बैलेंस हो जाएगा इस बार? देखिए एक बात तो तय है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लगी हुई है और जिस तरह से धीमे धीमे इस बार चल रही है, हालांकि पिछली बार जैसे 2017 के चुनाव से पहले की बात थी तो उस टाइम पर सरकार चूंकि समाजवादी की थी तो लग रहा था जिसको कहते हैं ना शाइन पूरा चारों तरफ से करता है तो सरकार शाइन ही कराती है, वही हाल अभी बीजेपी का नारा था काम बोलता है। हाँ, काम बोलता है, तो वो काम दिखाने की कोशिश की गई लेकिन उस तरह से पब्लिक जनता ने नहीं उसको उन कामों को माना, नकार दिया और फाइनली ये हुआ कि बीजेपी की सरकार आई। अब बीजेपी की सरकार भी वही कर रही है कि बस ये है कि नारा जरूर काम बोलता है नहीं है, लेकिन वो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विश्वास। अतुल देखिए एक बात हमें यहाँ पे समझना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में चुनाव जीतना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो इतनी समीक्षाएं हुई हैं, चाहे हम प्रबुद्ध वर्ग की सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, चाहे बीएल संतोष का 27 घंटे आके लगातार, बिल्कुल बिल्कुल, उसके अलावा यहाँ से रिपोर्ट भेजना जेपी नड्डा का, उसके बाद एक एक नेताओं से बात करना, खुद मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाना, सारे संगठन के लोगों को दिल्ली बुलाना, तो ये किसी भी हालत में कोई न कोर छोड़ना चाहते हैं न कोई कसर छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। और इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अब की बात 350 बार। लेकिन इस बार एक सवाल और भी है। एक सवाल ये जरूर है कि जिस मंत्रिमंडल विस्तार की बात इतने लंबे समय से चल रही थी और हमेशा ये कहा गया कि योगी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है,
सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आया हमेशा कि संगठन भी चाहता है और संघ भी चाहता है, लेकिन योगी तो आखिर ऐसा क्या है कि योगी फाइनली मान गए? सवाल ये भी एक बड़ा होगा, क्या लगता नहीं है? यही तो नहीं, योगी, योगी, बात है योगी मान गए होंगे तभी तय हुआ है। उन्होंने कहा होगा मानूंगा और अपने कंडीशन पे मानूंगा। तो आप देखिए केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में इतनी सारी बातें हो रही थी जी, लेकिन योगी जी खुद गए, बहू को उन्होंने आशीर्वाद दिया, बिल्कुल बिल्कुल बहू को उन्होंने उपहार दिया, और ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए जारी की कि देश और दुनिया देख ले कि यहाँ पे समूह के नेतृत्व का ही काम है। इसमें तो मास्टर लोग हैं, मैसेज बहुत सीधा देते हैं, एकदम क्लियर कर। तो अब हम लोग जो है, मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार शाम को होगा, हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारे साथ आगरा के डीएम प्रभु नारायण सिंह जो की बहुत ही डायनेमिक है वो है, उसके अलावा मुनिराज जी है। सर मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम जो रंजना प्लीज थैंक यू, और हम आप लोगों को ये बताते रहेंगे कि नहीं कौन कौन मंत्री बन रहा है और क्यों बन रहा है, तो इसलिए इंडिया न्यूज जो है आप लोग देखते रहिए।